गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी ये है कि हम लोग जिम जा रहे थे और साथ में इस कार और भाई के ऑफिस का कुछ पार्सल था तो वो लेने आए हम GNTI। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये ग्राउंड हमारे मतलब बचपन में जब हम छोटे थे तो यहाँ खेलने आते थे और एक छाला इधर होने वाला है, धीरे धीरे हो रहा है तो उसका दर्द भी हो रहा है। तो यहाँ आज देखो दिन भर बारिश हुई और अभी हमें यहाँ पे जहाँ पे अभी टैक्सी स्टैंड बन गया है यहाँ हमारे, मैं दिखा रहा हूँ पूरा। तो भाई साहब जब हम छोटे थे तो यहाँ से खेलने जाते थे, रास्ता था ये, अब यहाँ पे टैक्सी स्टैंड बन चुका है क्योंकि अब जो ये इतना बड़ा ग्राउंड था श्रीनगर में, मतलब ये बहुत प्लेन जगह थी, यहाँ पे जो है रेलवे वालों ने अपने अंडर ले लिया है। ये गेट अभी बना है, पहले यहाँ कुछ नहीं था और यहाँ लगता था बहुत बड़ा मेला बैकुंठ चतुर्दशी का, जो कि 2019 के बाद पिछले साल लगा हमारे घर के बगल में। मैंने दिखाया आपको प्रीवियस व्लॉग्स में। ये क्या है भाई? ITI। ये ITI है, यहाँ पे ITI कॉलेज होता है ना ये भी। हाँ तो ये ITI है यहाँ, पहले इधर गेट था। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से ये मिट्टी शुरू थी और हम यहीं से जाते थे खेलने। अब मैं दिखा देता हूँ आपको प्रॉपर एक बार, जो है कि इधर जो है अभी ये सब बन गया रास्ता। अरे ये ITI है इधर। हाँ ये पूरा ITI है और ये था हमारा GNTI ग्राउंड, जो ये देख सकते हैं आप, जहाँ टीन लग चुकी है। तो ये मतलब एक बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है। पहले यहाँ पे इतनी लंबी दीवार थी, हम इस दीवार पे बैठते थे और यहाँ खेलते थे क्रिकेट फर्स्ट क्लास, वो भी था अंदर से। एक तो दिखा नहीं सकते क्योंकि ये रेलवे के अंडर है। तो यहाँ से अब हम वापस चलते हैं तो देख सकते हैं आप, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है और हमारे पीछे हैं चंदन भैया और इनके साथ एक स्कैम कर दिया है कई बदमाश होने का कहूँगा मैं। तो स्कैम की कहानी भाई साहब से सुनते हैं और आप लोग भी सतर्क रहें। तो जी बताइए आपके साथ कल क्या हुआ? अरे भाई जी बस दिमाग खराब हुआ था कल। हाँ जी। और 11:30 बजे की बात है। हाँ जी। सुबह की। हाँ जी। और फोन आया। हाँ जी। तो इसने बोला भाई आपका लड़का इस नाम से है। हाँ जी। नहीं बोले तो इस लड़के का नाम क्या है? बोले तो सुना था आप कौन लगता है लड़के के? मैंने कहा पापा उसका। इनके पास एक फोन आया इनके बेटे के रिगार्डिंग कि आपके लड़के का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया अर्पित है। उसके बाद बताइए। हाँ तो मैंने कहा भाई अर्पित है लड़का है हमारा, कि वो अभी कहाँ है? मैंने कहा वो मार्केट गया हुआ था। हाँ जी। जस्ट 15-20 मिनट पहले निकला हुआ मार्केट के लिए। हाँ जी। कि वो तो हमें किसी होटल में पकड़ा गया है। हाँ जी। दो लड़के और थे उसके बाद, एक लड़की भी थी। हाँ जी। और ये अभी हमारे कस्टडी में है। अच्छा बताओ आप क्या करना है इनका? तो मतलब ये बताया गया है कि आपका लड़का लड़की के साथ पकड़ा गया और दो लड़के और हैं, होटल में पकड़ा गया है और हम होटल वाले ने ही बताया और होटल। हाँ और हम पुलिस वाले बोल रहे हैं ये, और एकदम आदमी इंटेलिजेंट और एकदम आदमी शक पका गया। तब उसके बाद बताइए। तो शक पका गया तो भाई मैंने कहा भाई बताओ आप, मुझे तो इस बारे में क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने बोला कि हम इसका जो है एफआईआर दर्ज करें। मैंने कहा सर मुझे बताओ कि आप मुझे क्या करना है, आप अपनी तरफ से बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है आप ऐसा करो कि इसका मोबाइल वगैरह, चारों को मोबाइल हमारे पास हैं और मोबाइल थाने में चले गए हैं और आप नंबर नंबर लेके उनसे मैं बात करता हूँ, आप फोन उठा लेना। बाकी SHO साहब हैं, SHO साहब से बात कर लो। तो इन्होंने उस बंदे ने अपने हेड से बात करवाई SHO साहब बोल के। तो उसके बाद तो बात करी, वो आया उन्होंने बात बोल मेरे से बात करी और बोला रही कि ऐसा करो आप FIR दर्ज करना है या ये क्या करना है मैं बताओ। मैंने कहा सर ऐसा है कुछ हो रहा है तो आप बताओ क्या करना है। मैंने बोला लेने देना कुछ ऐसा करो आप 50,000 दे दो हमें, हमारा खर्चा वगैरह लगा है या हम इतना वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम तो 50,000 सीधे सीधे मांग लिए कि 50,000 दो नहीं तो हम FIR और जो भी है। आदमी को इतनी नॉलेज नहीं होती कि इन चीज़ों में क्या कार्रवाई होती है, तो ऐसे में आदमी फंस जाता है। तो वही हुआ, अब एकदम से वो 50,000 सुने। और बताइए फिर। फिर लड़की की माँ आई तो लड़की की माँ से बोला भाई, मैंने कहा है वो? उसने बोला यार वो तो अभी घर में था थोड़ी पहले। तो मैंने उसके बाद उसका फोन काट के मैंने तुरंत उसको फोन करा और वो मुझे घर ही मिला। तो ये तो बंदा थोड़ी देर पहले वो अर्पित यहाँ से निकला था और जस्ट घर पहुंचा ही होगा, इतने में फोन आ गया। अब क्या हुआ इतनी देर में वो आदमी समझ नहीं पाया ना, कुछ सवाल कर पाया। बड़ी बात तो ये भी है ना कि लड़के पास हमने फोन नहीं दे रखा है, फोन नहीं दे रखा, फोन था एक छोटा मोटा, उस पर नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। तो मतलब बात कहाँ से करनी, कितने स्कैम हो चुके हैं, कहाँ से इन पे इतनी डिटेल आती है, क्या है क्या नहीं, मतलब कितना खराब है ये चीज एक आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए मैं तो मेरा पैर से और सिर तक तो पूरा मतलब झंझना जाता है, झंझना कंपन सी हो। तो 50,000 देने की आपने क्या सोची थी उस टाइम? दूसरी बात ये भी ना कि चलो लड़का थोड़ा उस तरह का
उमर एजेंट हो थोड़ा सा माल है भाई यार भाई के मैं मैंने कहा 15-16 साल का भी वो पैसा तो था नहीं हिसाब किताब का। और फिर पैसे देने का आपने क्या सोचा था? पैसे देने का मैंने बोला मैं बात करता हूँ आपसे पहले मैडम से बात पूछता हूँ कि भाई तभी होगा कि क्या करना उसको पकड़वाना है छुड़वाना है कि पैसे देना है क्या करना है। सही बात भाई घर वालों से तो बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बोला कि मैं तुम्हारा बातों का मुलाजिम नहीं हूँ और तुम हमें उस समय से यहाँ पर बहुत हड़का के बात कर रहे थे वो जो इनसे मतलब कड़क हो गए कि प्रेशर बना रहे थे कि तुम फटाफट पैसे दो। ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब फोन कट करा उसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया मेरे को मैंने उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। तो ये है उसके बाद आपने कहाँ पे कंप्लेंट करी? अब मैंने तो आपका ये थाने में बोला था। हाँ जी इनसे इन्होंने बोला एक नंबर दिया मेरे को। हाँ। तो उस नंबर पर मैंने कॉल करा उन्होंने बोला भाई आप इस पर ईमेल करो। हाँ। और आप इसका जो भी था आपका जो भी बात हुई उसका नंबर वगैरह मैंने मतलब सक्सेस तो नहीं होता क्योंकि सारा प्रशासन बैठा है चालान करने के लिए। अब बस नंबर दे दिया भाई तो हेल्प तो करो अगर इतने आदमी को अकल होती तो वो कर लेता वो अपने आप। अब उसने दे दिया नंबर ईमेल तो नहीं होता इतना तो आदमी कहता है कौन इतने झंझट में पड़े छोड़ो जो हटाओ हुआ। तो ये यार ऐसे में लोग पकड़े नहीं जाते तो ठीक है। सुनने में और भी आया सुनने में एक आध जगह दो तीन जगह और भी आया है कि ऐसी ऐसी बातें हैं लेकिन उनको थोड़ा नॉलेज आया था कि उन्होंने उसके उनके खैर मेरा भी कुछ नहीं हुआ। चलो कोई नहीं बच गए तो ठीक है साहब धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से लोग स्कैम कर रहे हैं मतलब लाचार लोगों को इसलिए आप इनके चक्रों में ना पड़े। अगर आपको कोई भी ऐसा फ़ोन आता है तो आप भैया अड़े रहें इस बात पे। तो यही है मतलब आपकी समझदारी वहीं पे काम आएगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।